हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम सवाल होगी, आप मुझे दूध दे दो बस। दूध देंगे लेकिन ग्लास में, बॉटल में नहीं। ओके नहीं, जो मिर्जा वाला। अच्छा ठीक है, मिर्जा वाला। ओके देखो कितने गंदे मन पे से निकले हैं। हमने जलंधर से कुछ सामान मंगवाया था जो मेरे पास उधर फालतू पड़ा हुआ था, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे जब रेनोवेट हुआ था तो यहाँ से एक्स्ट्रा सामान हमने वहाँ भेज दिया था। लेकिन अब जब ये नया घर लिया तो अब छोटी मोटी चीज़ें यहाँ करके सो दैट कुछ यूज में आ जाए वो घर वहाँ रखे। सफाइयाँ और यहाँ कर दिया। कल सवेरे करा लियो। ब्रश क्यों नहीं किया? बेल्ट लेके कोट लेके कौन सोता है? किया। नहीं नहीं करे, थोड़ी देर पापा को भी कर दो। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, मिजुरी झुंडियां हो लग गया। ओ वाओ मिजुरी, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो। हाय। हाँ जी मिस राव। हाय नी, और मेरी बिल्ली तो मुझे छोड़ी पूरी है। हाँ जी, की बने हुए हो तुसी? ओए ओए होए ओए होए ओए होए। अच्छा अच्छा अच्छा। गाना बोल के डांस भी कर दी है। डांची करनी है, डांची डांची करनी है, छोनी छोनी ने डांची करनी है। यार जूनियां देखी। लड़दियां तू मैनू देखो तेन मैंने ले पूरा खाना है ना उन्होंने। मिजराब का बस नहीं चल रहा बस। अच्छा आप क्या देख रहे थे? मिजराब कैसे कर रही है? एबीसी नहीं देखना। अच्छा अच्छा, की कह रही है? केड़ी वाली होनी चाहिए? शायद वाली, शायद वाली नहीं, हनी वाली नहीं। तो आए होने एकदम ही चेंज हो, पेसिफायर हूं भाई। वो किधर डंडी? शायद वाली। रितु जी आप सैड क्यों हो? शायद वाली नहीं ना लिए। बड़े लेजी दिन चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे को भी वीडियो बना। आ जाओ। सो बस अभी अभी फिलहाल बस मिजू की आज कुछ अचीवमेंट नहीं है कि यही अचीवमेंट थी कि हमने उसकी चोटियां की और थोड़े से लेयरिंग कम करना शुरू की है। बस थोड़े दिनों में ये वार्मर वगैरह भी बंद कर दूँ क्योंकि अभी मौसम कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। पर आज मैंने इसको नहलाया था प्रॉपर वाला, स्पॉन्जिंग नहीं मतलब प्रॉपर नहलाया था, तो इसलिए फिर आज मैंने वार्मर पहना ही रखे। और सुंदर सुंदर बना दिया मिजू को और बस आज इधर नए घर पर थोड़ा वो सामान था, बहुत ही गंदा घर पड़ा, उसको सफाई करवानी है, वो देखते हैं।
और चाचू ऐसे सिखाए क्या? थैंक यू। और बड़े मम्मा थैंक यू। पापा थैंक यू। पापा थैंक यू। अटक गया। थैंक यू रिद्दू। यू वेलकम रिद्दू। अच्छा और मिजराब दीदी? मिजराब दीदी नु नवी चीज मिल गई है, हुन इन्हें छड़नी थोड़ी है। होए देखी मेरी चोनी केड़े सैंडविच बना के आए हैं। एवोकाडो सैंडविच चाहिए तो रात नु नहीं खाने चाहिए पर हुन भूख लगी थी। एवोकाडो है, एवोकाडो आ गया पक्या होया। टेस्ट करके देखो पक्या होया। ओ भाई क्या कर रहे हो आप? हालांकि मैं इसके लिए सोची थी अलग व्लॉग बनाऊंगी बट मैंने अभी ये रिसेंटली लगानी शुरू की है, विटामिन के रेटिनॉल 0.1 अंडर आई क्रीम। ये लगा के रेटिनॉल लगाती हूँ जो मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। अभी मैंने 0.5% लगाना शुरू किया है। मिनिमलिस्ट और ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मैं दोनों मिक्स करती हूँ। रेटिनॉल मैं ऑर्डिनरी का यूज़ करी और अंडर आई क्रीम मैंने मिनिमलिस्ट की यूज़ की है। सो ये लगा के पता नहीं, मतलब मैं लेट हूँ। आई एम 39 नाउ। मैंने अब शुरू की है ये चीज़ें लगानी जो कि मुझे लगता है 30s के बाद शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आजकल तो जल्दी साइंस ऑफ एजिंग आने शुरू हो जाते हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा। सो मुझे अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए जो कि मैं अब लेज़ी हो चुकी हूँ, जो मैं पहले नहीं थी। सो अब सोचती हूँ कि करना शुरू करूँगी डेली। इसके ऊपर मैं सिर्फ ये मैंने नई क्रीम ली है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मॉइस्चराइज करूँगी इसको अच्छे से भर भर के। दोनों अंगूठे टूटे पड़े मेरे। हर वॉश के बाद मुझे बैंडेड चेंज करनी पड़ती है, फिर भी हालत देखो। बताती हूँ ये काम आ रहा है मुझे। खजाना ये मेरे लिए ही रखा गया था, टूटे अंगूठों के लिए। एक्चुअली ये मैंने ना नेल एक्सटेंशंस करवाए थे और वो जब मैंने निकलवाए तो जो आपके ओरिजिनल जो नेल्स होते हैं ना वो थिन हो जाते बहुत ज़्यादा और मेरे तो ऑलरेडी बहुत थे, तो ऐसे हो गए जैसे स्किन पेपर स्किन होती है ना वैसे वाला, तो वो कहीं पे भी अटक जाते तो अटक के टूटना शुरू हो गया और बड़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। और जो अटके हो ना बीच से क्रैक है कि वो कट भी नहीं हो रहे नेल कटर से, इसलिए फिर मैंने ये लगाना शुरू किया। बस इतने में ही हम थक गए। सो ये हो गई मेरी नाइट केयर रूटीन। अभी फ़िलहाल मैंने अपना वो जो लैशमा लगाती हूँ मेरी लैशेस के लिए वो लगाया और अंडर आई क्रीम रेटिनॉल एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपने आप से प्रण लिया कि अब मैं एक महीना तो पहले तो रेगुलर रहूँगी विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि मैं बीच में हफ्ता हफ्ता गायब हो जाती हूँ। मेरी एनर्जी ड्रॉप हो, मूड ठीक ना हो, ये सब ना, तो वो सब मन नहीं करता सब करने का। सो अभी ऐसा चल रहा है, देखो बाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिद्धू बोट पहन के आधी रात को कौन खाना खाता है, मतलब कोट? रिद्धू उसको बोट बोलते हैं। गुम्मी सुबह सुबह जाएंगे तो मतलब तैयार होके ही सो जाओ हैं? बताओ जरा। इतनी आवाज करके नहीं खाते, मुंह बंद करके चलो। किसने मराया? पम्मा पुई ने। थैंक यू पम्मा पुई। गुड बॉय, आई लव यू रिधान। ऐसे नहीं, कैसे बताया था मम्मा ने? गुड बॉय।
ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਵਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਅਬ ਵਿੱਦੂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਆਜਾ चलो पापा सास हो जाओगे नहीं मैं बच्चा तो गुड नाइट कर दो वेदू जी ने उसके पैर में टिकलिंग कर करके इसको उठा दिया अभी